दोस्तों, ये जो सड़क है ये श्रावस्ती के इमलिया गांव से जुड़ा हुआ है और श्रावस्ती बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने का खतरा रहता है और बाढ़ से सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का होता है। किसानों की सारी फसलें खराब हो जाती हैं बाढ़ से। ये श्रावस्ती गौना का इमलिया गांव है। यहाँ सड़क के दोनों तरफ जो फूस के मकान हैं ये उन किसानों के मकान हैं जिनका घर बाढ़ में बह गया। यहाँ पर बहुत से लोग बेघर हो गए और इसी तरह वर्षों से सड़क के दोनों किनारों पर एक झोपड़पट्टी का मकान बनाकर रहते हैं। जब बाढ़ का खतरा बढ़ता है तो ये लोग अपना ये घर छोड़कर किसी ऊँचाई वाले जगह पर चले जाते हैं। कटान की वजह से इनका जो घर था वो नदी में बह गया, राप्ती नदी में। पास से ही नदी गुजरती है और जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने का खतरा रहता है, तो आप समझ सकते हैं ये लोग कितनी कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जब भी बाढ़ आने का खतरा होता है तो इनमें और भी ज़्यादा डर हो जाता है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं लोग कितनी कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए और इन किसानों की तकलीफ़ों को जानने के लिए, समझने के लिए आपने जो इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।